मैं पिछले 28 सालों से संस्कृत का शिक्षक हूँ और मैं अपने अनुभव से बात कह सकता हूँ कि आज इस बात की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है कि विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि पैदा करने में एक संस्कृत शिक्षक की बहुत बड़ी महती भूमिका है। और अब संस्कृत शिक्षक की ये बहुत बड़ी जरूरत हो जाती है कि वह इस विषय को विद्यार्थियों के बीच में इस तरह से पढ़ाए जिससे वे इस भाषा को खेल खेल में और अपने आसपास के परिवेश को से ही उदाहरण को समझ करके और सीख सकें। और मेरा ये अनुभव रहा है और मैंने प्रयोग भी किए हैं और मेरे पास ऐसे विद्यार्थियों को मैंने संस्कृत पढ़ाया है जिन्हें हिंदी भी नहीं आती थी और उन्होंने हिंदी से ज़्यादा संस्कृत में उन्हें रुचि दिखाई और बहुत अच्छी तरह से, और अंत में ये हुआ कि जैसे उन्हें संस्कृत आई उनकी उनकी उनके शब्दकोश बढ़े, उनके अच्छा लगने लगा। उदाहरण के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ कि जब विद्यार्थी ये कहे कि मुझे संस्कृत नहीं आती तो सबसे पहले एक अध्यापक को उसका नाम पूछना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मेरे पास बहुत ऐसे विद्यार्थी थे, मुंबई के थे, साउथ इंडिया से थे, सर हमने संस्कृत नहीं पढ़ी। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, किसी ने कहा प्रभात, किसी ने कहा कि समीर। मैंने कहा आपको सबको संस्कृत आती है, बोले नहीं सर। मैंने कहा प्रभात क्या है, समीर क्या है, ये संस्कृत के शब्द हैं। हम सुबह से शाम तक संस्कृत के पचासों सैकड़ों शब्द बोलते हैं लेकिन कई बार कोई बताने वाला नहीं होता कि आप संस्कृत बोल रहे हैं, आप संस्कृत समझ रहे हैं। बस ज़रूरत है तो उनको समझाने की और उनके अंदर एक